एक रिक्शा मालक को एक रिक्शा भाड़ा ले जाना इतना महंगा पड़ा कि अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। वायू के आरोपी रुपेश जेठानी ने आरोपी रिक्शा चालक बैजूराम फटिंग को गणेशपेट बस स्टैंड से भाड़ा ले जाने बुलाया, जहां माल में सामान नहीं बल्कि सुगंधित तंबाकू था। आरोपी रिक्शा चालक ने सामान रिक्शे में भरा और ले जाने लगा, तभी क्राइम ब्रांच यूनिट टीम को गुप्त जानकारी मिली। उन्होंने जांच की तो सुगंधित तंबाकू का माल रिक्शे में होने का पता चला। इस बीच मामले में मुख्य आरोपी रुपेश जेठानी फरार है और रिक्शा चालक पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच करी है। पुलिस स्टेशन गणेशपेठ हद्दी मध्ये गुप्त बातमीदारांनी माहिती दिली की सुगंधित तंबाखूचा माल रजवाडा पॅलेस हॉटेल करून समोल दवाई मार्केटकडे जात आहे। आम्ही सापळा रचून बसलो असता आज सकाळी रोजी एक ॲटो क्रमांक MH 49 BM 47 06 हा येताना दिसून आला। त्याला थांबवून त्या ॲटोची पाहणी केली असता त्यामध्ये सुगंधित तंबाखूचे मालमत्ता दिसून आली। सदरचा ॲटो हा बैजूराम रंगुराम फटिक यांचा असल्याचे दिसून आले। तसेच त्याच्या गाडीतील मुद्देमाल हा जरीपटकात राहणारे रुपेश जेठानी यांचा असल्याचे माहिती मिळाली। सर, हा मुद्देमाल कुठून आला होता, कुठे जात होता आणि एकूण कितीचा मुद्देमाल आहे? एकूण 207,260 मुद्देमाल आहे। पुढील तपास सुरू आहे। सर, हा माल कुठून आला होता आणि कुठून त्याला कुठे जात होता, विकण्याकरिता जात होता की होलसेलर आहे? आरोपी नामे रुपेश जेठानी हा ताब्यात आल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती प्राप्त होईल।